नमस्कार, आप देख रहे हैं सीहोर लाइव 24 न्यूज और मैं हूं विमल राय। आइए बात करते हैं समय की बड़ी खबरों की। भोपाल में महापंचायत सीएम शिवराज ने की घोषणा, अतिथि विद्वानों का वेतन 50,000 रूपए महीना फिक्स, नौकरी भी रहेगी सुरक्षित। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अब सरकारी कॉलेज में कार्यरत अतिथि विद्वानों को हर महीने 50,000 रूपए सैलरी देने की घोषणा की है, नौकरी भी सुरक्षित रहने का भरोसा दिया है। सोमवार को सीएम हाउस में बुलाई गई महापंचायत में मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्हें पीएससी में 25% आरक्षण दिया जाएगा और 10% बोनस अंक भी मिलेंगे। अतिथि विद्वानों शासकीय सेवकों के समान अवकाश उनको दिया जाएगा। अतिथि विद्वान अब स्थानांतरण भी अपने पास के कॉलेज में करा सकेंगे। फॉल एंड आउट अतिथि विद्वानों को भी खाली पदों पर रखा जाएगा। यह सभी फैसले तकनीकी शिक्षा में लागू होंगे। पॉलिटेक्निक और आईटीआई के अतिथि शिक्षकों को भी राहत मिलेगी। आईटीआई के अतिथि प्रवक्ता को भी 20,000 रूपए मानदेय दिया जाएगा। अभी 4,500 अतिथि विद्वानों को पीरियड और कार्य दिवस के हिसाब से महीने में 30,000 से 35,000 रूपए तक ही मिल पाते हैं। 2019 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में अतिथि विद्वानों ने राजधानी में 144 डेज तक धरना दिया था। तब शिवराज इनके बीच पहुंचे और इनके नियमितीकरण पर जोर दिया। अतिथि विद्वानों के आंदोलन के दौरान तत्कालीन कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ से विवाद भी हुआ था। हमारी और भी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाली बेल आइकन को दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। खबरों में अभी इतना ही, आप बने रहिए सीहोर लाइव 24 के साथ। नमस्कार।